तो आज की बहुत बड़ी खबर आ रही है जो बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। बीपीएससी टीआरई 1, 2, 3 सभी से रिलेटेड है। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव, अपर मुख्य सचिव के पाठक सर पहले 31 तक छुट्टी 16 तक छुट्टी में थे, अब उन्होंने अपनी छुट्टी 31 तक बढ़ा ली है और मीडिया में बहुत सारे न्यूज़ चल रहे हैं। देखिए दैनिक भास्कर के माध्यम से क्या लिखा गया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने अपनी छुट्टी 31 जनवरी तक बढ़ा ली। उन्होंने 16 जनवरी तक छुट्टी ली थी, 17 जनवरी को दफ्तर बंद था, 18 को उनको ज्वाइन करना था, लेकिन उन्होंने 18 जनवरी से 31 जनवरी तक छुट्टी का आवेदन दिया है। इसके साथ ही उनके शिक्षा विभाग में नहीं लौटने की चर्चा पुष्ट सी हो गई है। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने तो 11 जनवरी को ही कह दिया था कि पाठक को काम करने का मन नहीं हुआ तो इस्तीफा दे दिया। 11 जनवरी को पाठक ने शिक्षा विभाग के अपने पद का प्रभार छोड़ा था। अभी शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव उनकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। पाठक की छुट्टी बढ़ाने की खबर ने इस चर्चा को बहुत मजबूती तारीख तरीके से फैलाया कि उन्होंने शिक्षा विभाग को हमेशा के लिए छोड़ दिया। तरह तरह की चर्चा विभाग को छोड़ने के कारणों के रूप में उनकी राजभवन, शिक्षा मंत्री, शिक्षक नेताओं से तनातनी तक की चर्चा है। हिंदुस्तान पेपर के माध्यम में भी छापा गया है। देखिए के पाठक ने 31 जनवरी तक बढ़ाई अवकाश की अवधि। शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव के पाठक ने 31 जनवरी तक अपनी छुट्टी बढ़ाने का आवेदन दिया है। उनकी छुट्टी की अवधि मंगलवार को खत्म हो चुकी थी। ठीक है दोस्तों, और हिंदुस्तान पेपर के माध्यम से भी यह दिया गया है कि उनकी छुट्टी जो है 31 तक बढ़ गई है, और दैनिक भास्कर भी है, और उसके बाद यह संवाददाता पटना के माध्यम से भी है कि शिक्षा विभाग प्रमुख सचिव के पाठक 31 जनवरी तक अवकाश पर रहेंगे। उन्होंने अपने अवकाश की अवधि बढ़ा दी है। सरकार को 31 जनवरी तक अवकाश बढ़ाने का आवेदन दिया है। मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने इसकी पुष्टि की है। सुबहानी ने बताया है कि उनकी तरफ से अवकाश बढ़ाने का आवेदन आया है। आवेदन अभी विचाराधीन है। माना जा रहा है कि उनको वापस लौटने तक शिक्षा विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव अपर मुख्य सचिव स्तर के कामकाज को देखते रहेंगे। पहले श्री पाठक ने 16 जनवरी तक अवकाश पर रहने का आवेदन दिया था। अपर मुख्य सचिव के पाठक 8 जनवरी से अवकाश पर है। ठीक है दोस्तों, तो आज की यह बिग ब्रेकिंग न्यूज है कि अब पाठक सर आएंगे तो शिक्षा विभाग में ज्वाइन करेंगे या नहीं, यह भी अभी क्लियर नहीं है। थैंक्स दोस्तों।